नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधि आयोग के ड्राफ्ट से सूबे में सियासी हलचल फिर से तेज हो गई है। सवाल है कि क्या यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने से योगी को फायदा होगा। इसका जवाब इसलिए अहम है क्योंकि यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी विपक्षी दल इसे योगी का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। आज बहस में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन देखिए कि आखिर इस ड्राफ्ट में क्या है और क्यों मचा हुआ है बवाल। पूरे देश की निगाहें अब 2022 की ओर टिकी हैं, क्योंकि 2022 में ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सत्ता सिंहासन का फैसला होगा। जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, मैदान मारने के लिए सियासी दलों की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। और इसी बीच योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी करके नया मुद्दा छेड़ दिया है। 11 जुलाई को यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा और उसी दिन यूपी में आबादी पर काबू पाने का एक्शन प्लान जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक नई जनसंख्या नीति में नियंत्रण का व्यापक रोड मैप होगा। इसके लिए राज्य विधि आयोग का ड्राफ्ट तैयार है। इस ड्राफ्ट से समझना आसान होगा कि आबादी पर नियंत्रण करने के नियम कायदे कितने सख्त हो सकते हैं। सिफारिश नंबर 1, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सिफारिश नंबर 2, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं। सिफारिश नंबर 3, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। सिफारिश नंबर 4, सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 5, जनप्रतिनिधियों को भी शपथ पत्र देना होगा। सिफारिश नंबर 6, शपथ पत्र के उल्लंघन पर निर्वाचन रद्द होगा। सिफारिश नंबर 7, तीसरे बच्चे पर निकाय चुनाव लड़ने पर पाबंदी। सिफारिश नंबर 8, 2 बच्चे वालों को पानी बिजली हाउस टैक्स में छूट। सिफारिश नंबर 9, नसबंदी कराने पर प्रमोशन समेत कई सुविधाएं। सिफारिश नंबर 10, 1 संतान पर 20 साल तक मुफ्त इलाज शिक्षा बीमा। पहली बात तो ये कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा। जो भी व्यक्ति जनसंख्या नीति का पालन करेगा उसको तमाम प्रकार की प्रोत्साहन दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। उसके पेंशन प्लान में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% बढ़ेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के मकान हैं, प्लॉट हैं, उनके आवंटन में वरीयता दी जाएगी। राज्य विधि आयोग का ये ड्राफ्ट सरकार के निर्देश पर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि आयोग ने खुद कदम आगे बढ़ाकर ड्राफ्ट पर जनता की राय मांगी है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट योगी सरकार को सौंपा जाएगा। चूंकि मामला जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा है, चूंकि मामला यूपी में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले का है, लिहाजा राजनीति कहां पीछे रहने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहाँ, संकल्प पत्र कहाँ है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं? मुस्लिम धर्म गुरु भी जनसंख्या नीति पर यूपी विधि आयोग के ड्राफ्ट से नाखुश हैं। इसे योगी सरकार का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबे उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नतीज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी करीब 24 करोड़ है। दुनिया के करीब 200 देशों में 4 ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी यूपी से ज्यादा है। हालांकि यूपी में जनसंख्या की प्रकृति न सिर्फ राज्य की सियासी दिशा तय करती है बल्कि देश की सियासत में भी इसकी बड़ी भूमिका है। अब ये अलग बात है कि राजनीतिक दल जनसंख्या पर विधि आयोग के ड्राफ्ट को किस तरीके से लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक,